आपके कंप्यूटर को कितने जीबी रैम की आवश्यकता है ये कैसे पता करें। कुछ लोगों का मानना है कि कंप्यूटर में जितना ज़्यादा जीबी का हम रैम लगाएंगे उतना ही बढ़िया परफॉर्मेंस मिलेगा और कंप्यूटर हैंग नहीं होगा, कंप्यूटर फास्ट चलेगा। यानी लोग ये कहते हैं कि अगर कंप्यूटर में रैम ज़्यादा होगा तो कंप्यूटर स्पीड चलेगा, फास्ट चलेगा, परफॉर्मेंस हमें अच्छी मिलेगी। बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप ज़बरदस्ती को उसमें रैम लगाएंगे तो वो आपके मदरबोर्ड को उल्टा कमज़ोर कर देगा, आपके परफॉर्मेंस पर बहुत ज़्यादा वो बुरा असर डाल सकता है। तो यहाँ पर आज एक तरीका बताऊँगा जिससे आप जान पाएंगे कि आखिर आपके कंप्यूटर को एक्चुअल में कितने जीबी रैम की आवश्यकता है और आपको अपने कंप्यूटर पर कितना जीबी रैम लगाना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संदीप, स्वागत है आपका टेचकिंग संदीप यूट्यूब चैनल पर। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपको समझना होगा कि आखिर रैम का मतलब क्या है, रैम का यूज क्या है कंप्यूटर पर। देखो, रैम का मतलब होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। बेसिकली क्या करता है कि आपके कंप्यूटर पर जितने भी एप्लीकेशन इंस्टॉल्ड हैं उन्हें लोड करता है। यानी जैसे अगर आपने प्रीमियर प्रो एप्लीकेशन को ओपन किया, जैसे आप एडिटिंग पीसी का इस्तेमाल करते हैं, तो जैसे आप प्रीमियर प्रो को ओपन करेंगे, ठीक है, तो वहां पर उसका जितना भी लोड होगा, जिसे कैचे मेमोरी भी कहते हैं, जो उसका लोड होगा वो सीधा लोड आएगा आपके रैम पर। आपका रैम ही उसे माइनस करेगा और आपका जो एप्लीकेशन है वो कितना फास्ट ओपन होगा वो आपके रैम के मेगाहर्ट्ज पर ही डिपेंड करता है। आपने देखा होंगे जो हम रैम लेते हैं उसमें DDR2, DDR3, DDR4, DDR5 भी आ चुका है अभी, और हर एक रैम का जो मेगाहर्ट्ज है वो अलग अलग होता है, जिसमें 3200 मेगाहर्ट्ज पॉपुलर सबसे ज़्यादा चलता है। DDR4 की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका एप्लीकेशन है वो कितना फास्ट लोड होगा, कितना फास्ट ओपन होगा, ये आपके रैम पर ही डिपेंड करता है, ठीक है। जितनी ज़्यादा मेगाहर्ट्ज़ की आपकी रैम होगी और जितने अच्छे जनरेशन का होगा, यानी DDR4 DDR5 रहेगा, तो और भी ज़्यादा जल्दी आपका जो एप्लीकेशन है वो ओपन होगा, रन करेगा। तो बस रैम का यही काम होता है कि आपके कंप्यूटर पर जितने भी एप्लीकेशंस हैं उन्हें लोड करता है, उन्हें ओपन करके आपको प्रोवाइड करता है कि लो भैया अब आप अपना काम कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पर हम समझते हैं कि आपके कंप्यूटर को कितना जीबी रैम चाहिए, इसे कैसे पता करें। तो चलिए इसके लिए मैं आपको ले चलूँ कंप्यूटर की स्क्रीन की ओर। तो अभी मैं आ चुका हूँ अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, नीचे आपको टास्क के बार पर राइट क्लिक करना है और यहाँ से मिलेगा टास्क मैनेजर, देख सकते हैं टास्क मैनेजर, इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने ऐसा इंटरफेस खुल करके आएगा, इसमें फुल स्क्रीन कर लेता हूँ, और यहाँ पर आपको चले जाना परफॉर्मेंस पर। कहाँ परफॉर्मेंस पर, इस तरह से परफॉर्मेंस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको मिलेगा सीपीयू, मेमोरी, डिस्क 1, ठीक है। हम सबसे पहले चलते हैं सीपीयू पर। सीपीयू का मतलब है हमारा प्रोसेसर। अभी आप देख सकते हैं कि हमारे कंप्यूटर पर जो प्रोसेसर लगा है वो कितना यूज़ हो रहा है, राइट, यहाँ से आप देख सकते हैं। लेकिन हम बात कर रहे हैं रैम की, तो रैम को क्या कहते हैं, मेमोरी। मैंने पहले ही आपको बता दिया कि रैम का मतलब होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो हम क्या करेंगे, मेमोरी पर क्लिक कर देंगे, ये देख सकते हैं। अब यहाँ पर आप देखिए मेरे कंप्यूटर पर जो रैम लगा है वो कितना जीबी लगा है, 4 जीबी का, ठीक है। अब 4 जीबी में यूज़ कितना हो रहा है, वो है 1.7 जीबी। यहाँ से आप देखिए, ये मेरे माउस के रुख आप देखिए, यहाँ पर जो अभी रैम यूज़ हो रहा है वो है 1.7 जीबी और बाकी के 2.2 जीबी खाली, यानी फ्री है, अवेलेबल है। तो यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, अपने कंप्यूटर पर कोई एप्लीकेशन ओपन करेंगे। जैसे यहाँ पर ओपन करता हूँ मैं फोटोशॉप, चलो हमने फोटोशॉप ओपन किया, ठीक है। आपको भी ऐसा ही करना है, आप अपने कंप्यूटर पर जो वर्क करते हो, जो एप्लीकेशन चलाते हो, एडिटिंग करते हो, गेमिंग करते हो, आप उसे ओपन कीजिए। जैसे मैं यहाँ पर एडिट करता हूँ, ठीक है, यहाँ पर मैंने ओपन किया फोटोशॉप, ठीक है। अब इसके बाद फिर से हम चेक करेंगे कि अब हमारे कंप्यूटर पर कितना जीबी रैम यूज़ हो रहा है, ठीक है, तभी हम क्लियरली जान पाएंगे कि आखिर हमारे कंप्यूटर को कितना जीबी रैम की आवश्यकता है। तो यहाँ पर हमारा फोटोशॉप हो गया है ओपन, वेट करते हैं कुछ सेकेंड, ठीक है, क्योंकि इसमें जो प्रोसेसर लगा काफ़ी ओल्ड है। यहाँ से हम इसे फुल स्क्रीन कर लेते हैं, ये देख सकते हैं। अब इसे मिनिमाइज़ करते हैं, ठीक है। अब यहाँ से हम आके वीडियो भी प्ले कर लेते हैं, ये हुआ वीडियो प्ले, किधर है भाई, यहाँ से हम एक वीडियो प्ले करते हैं, ये देख सकते हैं, इसे भी मिनिमाइज़ कर देते हैं, ठीक है। अब देख सकते हैं यहाँ पर एप्लीकेशन भी ओपन है यहाँ से, और यहाँ से हमने वीडियो भी प्ले कर रखा है, और हम क्या करते हैं एक और एप्लीकेशन ओपन कर लेते हैं कोई से भी, चलो और एक एप्लीकेशन करते हैं क्रोम ब्राउज़र, क्योंकि जो क्रोम है बहुत ज़्यादा लोड लेता है, ठीक है। हम 3 एप्लीकेशन अभी यहाँ पर ओपन कर रहे हैं, ये देख सकते हैं। अब हम एक बार चेक करते हैं कि अब हमारे कंप्यूटर पर कितना रैम यूज़ हो रहा है, तो फिर से चलते हैं, ये देख सकते हैं। अब आप देखिए हमारे कंप्यूटर पर 3 जीबी से भी ज़्यादा का रैम यूज़ हो रहा है, मतलब 3.2 जीबी यहाँ पर रैम यूज़ हो रहा है, आप देख सकते हैं।
अभी जब हमारा कंप्यूटर बिल्कुल नॉर्मल था, हम कोई भी एप्लीकेशन ओपन नहीं किए थे, तो कितना यूज़ हो रहा था, सिर्फ और सिर्फ 1 GB, ठीक है। अब आप देखिए 3 GB से भी ज़्यादा हमारा रैम यूज़ हो रहा है, टोटल हमारा रैम लगा, यहाँ आप देखिए सबसे टॉप में ऊपर 4 GB रैम लगा हुआ है, ठीक है, लेकिन यूज़ कितना हो रहा है, 3 GB, और अवेलेबल कितना है, 828 MB, मतलब 500 MB लगभग अवेलेबल है। अब जब आप इस पर काम करेंगे तो और भी ज़्यादा लोड बढ़ता चला जाएगा। जैसे न्यू फाइल पर हम चलते हैं, यहाँ से हम क्रिएट पर क्लिक करते हैं, और यहाँ से हम कोई एक फाइल ले लेते हैं, चलो हम एक फाइल ले लेते हैं, इसे ले लेते हैं, ओपन किया हमने, ठीक है, ये देख सकते हैं। अब आप देखेंगे कि जो लोड है वो और भी ज़्यादा हाई हो जाएगा, ये हमने क्लिक किया, अब आप देखिए यहाँ पर से लोड और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। आप देख सकते हैं 3.2 हो गया, ठीक है, यहाँ पर 800 दिखा रहा था, वो 600 MB अवेलेबल है, अभी तक कितना दिखा रहा था, 800 MB अवेलेबल है, अब यहाँ पर 600 MB अवेलेबल हो गया, मतलब हमारा कंप्यूटर पूरा पूरा जो है रैम को यूज़ कर रहा है। हमें रैम बढ़ाने की आवश्यकता है, ज़रूरी है। अगर जितने भी हम काम कर रहे हैं, जैसे हम प्लेयर ओपन किए हैं, फोटोशॉप ओपन किए हैं, क्रोम ब्राउज़र ओपन किए हैं, साथ में स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी चल रहा है भाई, स्क्रीन रिकॉर्डिंग फीचर जो सबसे ज़्यादा लोड लेता है, ठीक है, और मैं कोई ऐसी वैसी एप्लीकेशन की इस्तेमाल नहीं करता, मैं बहुत ज़्यादा अलग टाइप के एप्लीकेशन की इस्तेमाल करता हूँ जो रिसोर्स बहुत ज़्यादा लेता है, ठीक है। तो यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारे कंप्यूटर पर लगभग 4 GB का पूरा पूरा रैम यूज़ हो रहा है, तो यहाँ पर आपको कम से कम 8 GB रैम लगा लेनी चाहिए, या फिर आप कोई और एप्लीकेशन की इस्तेमाल करते हैं, जैसे प्रीमियर प्रो हो गया या फिर और कोई भी एप्लीकेशन, ठीक है, तो आप क्या कीजिए, आप उसके हार्डवेयर रिक्वायरमेंट को चेक कर लीजिए, वहाँ से आपको पता चल जाएगा कि आखिर उस एप्लीकेशन को चलाने के लिए कितना GB रैम ये होता है। अब यहां से आपको समझ आ गया कि आखिर आपके कंप्यूटर में कितना GB रैम यूज हो रहा है और कितना GB रैम खाली है, फिर फ्री है, और अगर टोटली आपका रैम फुल हो जा रहा है, पूरा पूरा यूज हो रहा है, तो आपको रैम बढ़ाने की आवश्यकता है। अब ये कैसे क्लियर करें कि कितना GB बढ़ाने की आवश्यकता है, हमें यह तो पता चल गया कि हमारा रैम पूरा पूरा यूज हो रहा है, हमें और रैम लगाना होगा, लेकिन कितना GB लगाना होगा, 2 GB, 4 GB, 8 GB, 16 GB, 32 GB, कितना GB लगाना होगा। तो इसके लिए आप ये देख लीजिए कि आपके कंप्यूटर पर आपका वर्क क्या है, आप क्या काम करते हैं, आप एडिटिंग करते हैं, आप गेमिंग करते हैं, या फिर आप स्ट्रीमिंग करते हैं, आपका वर्क क्या है, क्या करते हैं आप अपने कंप्यूटर पर। और जैसे मान के चलिए आप अपने कंप्यूटर पर एडिटिंग करते हैं, ठीक है, कौन से सॉफ्टवेयर से करते हैं, प्रीमियर प्रो से, या फिर फाइनल कट से, या फिर आप यूज़ करते हैं कैपकट को, ठीक है, तो आप क्या कीजिए, आप गूगल पे जाइए, गूगल पे जाने के बाद आप टाइप कीजिए एडोब प्रीमियर प्रो हार्डवेयर रिक्वायरमेंट्स, ठीक है, वहाँ पर आपको बता देगा कि आपको जो प्रीमियर प्रो है उसे चलाने के लिए कितने GB रैम लगाना होगा, कौन सा आपको ग्राफिक कार्ड लगाना होगा, आपको पूरा डिटेल वहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। इससे आपको ये क्लियर हो जाएगा कि आपकी जो कंप्यूटर की परफॉर्मेंस है वो कभी भी लूज नहीं होगी और प्रॉपर तरीके से आपका परफॉर्मेंस मिल पाएगा, क्योंकि आपने हार्डवेयर रिक्वायरमेंट के अनुसार अपने कंप्यूटर पर रैम को बढ़ाया है। और इस तरीके से आप जान सकते हैं कि आखिर आपके कंप्यूटर को कितने GB रैम की आवश्यकता है और कितना GB रैम आपको बढ़ाना चाहिए। आई होप सो कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर कर देना, और जो लोग ऐसा कहते हैं कि रैम बढ़ाने से कंप्यूटर की स्पीड बढ़ती है, उनके पास इस वीडियो को जरूर से शेयर कर देना। फिलहाल इस वीडियो के ऊपर इन करते हैं, अगर कोई सवाल है, कोई डाउट है, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर DM कर सकते हैं, इंस्टाग्राम आईडी संदीप पटेल साधो, या फिर मुझे कमेंट भी कर सकते हैं। चलो फिलहाल इस वीडियो के ऊपर इन करते हैं, फिर मिलते हैं नए वीडियो पर नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।